हाय हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। तो ये एक्ट हमने पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है आपके एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से। तो देखते हैं क्या क्या मेन चीज़ें हैं इसके अंदर जिसके अंदर से आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो उन उन चीज़ों को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, तो कौन कौन से ईयर का एक्ट है? 2016 का एक्ट है। तो क्या इससे पहले कोई डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग, की जो व्यक्ति डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे होते हैं उनके राइट्स के रिगार्डिंग कोई एक्ट नहीं था? तो ऐसा नहीं है। इससे पहले हमारे पास कौन सा एक्ट था? पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 था। ठीक है, अब ये क्या होता है डिसेबिलिटीज़ और उनके क्या राइट्स होते हैं, ये हमने इस एक्ट के अंदर आगे चल के देखना है। तो ये इस तरीके से बता रहा है आप, जैसे ये चाहे ये पर्सन है, ये पर्सन है, इनमें से कोई भी है, इन सबको हमें क्या देना है कि जितने भी ह्यूमन्स हैं हमको उनको फ्री एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, राइट देने हैं। तो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर बहुत लंबे समय तक जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, इस डेफिनेशन को भी हम इस एक्ट के अंदर देखेंगे कि डिसेबल्ड का मतलब क्या है, और जनरली जो आप डिसेबल्ड वर्ड का मतलब समझे वही इस वर्ड का मतलब है। तो इनको क्या समझा जाता था? लायबिलिटी समझा जाता था, और इनको इनके साथ स्टिग्माइजेशन की जाती थी, डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे, भेदभाव किए जाते थे। तो वो चीज़ें हमें इंडिया में देखने को मिलती थी। लेकिन 1980s में हमें ये महसूस हुआ कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको भी हमें क्या करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, उन्हें भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो भी हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें, उनको हमें अलग नहीं करना है अपने से। तो जो गवर्नमेंट है, एनजीओज हैं, सोसाइटी है, उनको ये रियलाइज़ हुआ, ठीक है, कि ये जो डिसेबिलिटी होती है एक मेडिकल कंडीशन है जिसको आप एक तरीके से ठीक कर सकते हो या अप्रोप्रिएट रिहेबिलिटेशन कर सकते हो, उनको सही से उनके साथ ट्रीट करके, वो चीज़ अगर नहीं भी ठीक हो सकती तो आप उनके साथ ट्रीटमेंट सही कर सकते हो, उनके माइंड में वो जो चीज़ बैठी हुई है कि हम जो है डिसेबल्ड है, हम किसी काम के नहीं है, तो वो चीज़ आप उसको हटा सकते हो उनके साथ सही से बिहेव करके, उनको सही अपॉर्चुनिटीज़ दे के। तो 1982-92 के अंदर जो यूएन है उन्होंने भी इसके रिगार्डिंग जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, तो इसी फील्ड के अंदर काम करी थी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो विद द यूएन डिक्लेयरिंग 1982-92 पीरियड एज द डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, तो उन्होंने क्या किया, यूएन ने इस डिकेड को 1982 से इस 10 सालों को डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन डिक्लेयर कर दिया। द रिहेबिलिएशन मूवमेंट गॉट फर्दर बूस्ट, तो इस कारण से क्या हुआ, जो रिहेबिलिएशन मूवमेंट था वो और तेजी से बढ़ गया। तो ये जो डिकेड है इसके, ये एक वाइटल रोल प्ले करता है, ये जो हमारा 1982 से 92 है, किस चीज़ के लिए, डिसेबल्ड पर्सन के राइट के लिए, ठीक है, उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये एक ईयर इंपॉर्टेंट है, ये जो डिकेड है ये इंपॉर्टेंट है डिसेबल्ड पर्सन के लिए। इसके अंदर क्या हुआ, एम्फेसाइज दी गई ऑन इम्प्रूविंग एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कि इनको हर जगह पे एजुकेशन दी जाए, एजुकेशन में इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो, इनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो ये चीज़ बढ़ाई गई। और इनके लिए इनके ऊपर खर्चा किया जाए, इनके अवेयरनेस बढ़ाई जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, तो इसके लिए फंड भी और ज़्यादा खर्च किए गए। इंडिया ने क्या किया 1986 के अंदर, क्योंकि अभी यही वाला डिकेड चल रहा है और हम भी यूएन के अंदर पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो हमने क्या किया, एक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया 1986 के अंदर। किस एम से, कि हम जो डिसेबल्ड पीपल है उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए काम करेंगे, इसलिए काउंसिल बनाई गई। इसके अलावा जो नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी है वो 2009 के अंदर अडॉप्ट की गई। दिस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फोकस ऑन क्रिटिकल एरिया सच एज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा फॉर द डिसेबल्ड। तो ये जो हमने नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी बनाई 2009 के अंदर, ये इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही थी, एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, सोशल सिक्योरिटी पे, बेसिकली डिसेबल्ड लोगों की। वही ये दोबारा इमेज में शो हो रहा है कि आप किसी भी तरीके से सबको हमें एक साथ आगे लेके बढ़ना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, किसी के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो हमें क्या ज़रूरत थी इस एक्ट की, तो जो प्राइमरी एम है इस एक्ट को बनाने का वो क्या था, कि जो पीपल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को बचाना। तो इस एक्ट के थ्रू हमने इंडिविजुअलिटी एंड डिग्निटी ऑफ डिसेबल पर्सन को दिया है, यानी कि वो भी अपने अस्तित्व रखते हैं, उनका भी एक अस्तित्व है, उनकी भी एक डिग्निटी है, तो ये चीज़ हमने उनको प्रोवाइड की, और उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो इस चीज़ को हमने इंश्योर किया, और उनको हमारी सोसाइटी के अंदर इंक्लूड किया जाए, वो भी अपने आप को हमारा ही हिस्सा समझे, इस तरीके की चीज़ को हमने इंश्योर करने की कोशिश की। और ये एक्ट क्यों इनेक्ट किया गया था,
अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, कि हमें भी, हम अगर यूएन का पार्ट है तो वो जो चीज़ें करता है उस तरीके से हमें भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे जैसे वो बोलता है, क्योंकि हम भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो ये हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थी, जिसके अंदर एक कन्वेंशन थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ राइट पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो यूएन जनरल असेंबली ने ये कौन से ईयर के अंदर अडॉप्ट की थी, दिसंबर 2006 के अंदर, और इंडिया ने इसको रेटिफाई कर लिया 2007 के अंदर। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच ईयर इंडिया रेटिफाइड दिस यूएन नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, एज पर द कन्वेंशन द सिग्नेटरी स्टेट्स, यानी कि जिन जिन्होंने भी इसको साइन किया था इस कन्वेंशन को, ये जो यूएन कन्वेंशन थी, तो जो भी सिग्नेटरी स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया भी इसकी एक सिग्नेटरी स्टेट है, उनके अंदर क्या मैंडेट हुआ कि वो अपनी कंट्री के अंदर एक इस तरीके का लॉ बनाएंगे और अपने जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको अमेंड करेंगे, जहाँ पे भी कोई डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों के लिए किसी तरीके के ऑब्स्टेकल्स आते हैं या उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो इस तरीके की चीज़ों को अमेंड करेंगे इस लॉ को, और एक नया लॉ बनाएंगे जिसके चलते वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें डिसेबल्ड लोगों को। तो जो नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबल्ड पर्सन थी उसको मॉडिफाई किया गया, किस हिसाब से, जो हमने 2007 की कन्वेंशन अडॉप्ट की थी, जिसको साइन किए थे, जिसके हम सिग्नेटरी थे, उस हिसाब से हमने उसको बनाया। अब ये जो कन्वेंशन थी ये क्या कर रही थी, क्या ड्यूटी इम्पोज कर रही थी किसके ऊपर, स्टेट्स के ऊपर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर, सिविल सोसाइटी के ऊपर, किस चीज़ के लिए, कि जो राइट ऑफ डिसेबल्ड पीपल हैं वो सिक्योर हो, उनको उनके अधिकार मिलते रहे। इंडिया बींग वन ऑफ द फर्स्ट सिग्नेटरीज ऑफ कन्वेंशन एनेक्टेड द 2006 एक्ट टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन अंडर कन्वेंशन। तो इंडिया उन कुछ कंट्रीज में से है जिन्होंने सबसे पहले इस कन्वेंशन को साइन किया था, और इसी कन्वेंशन के चलते इंडिया ने कौन सा एक्ट बनाया, 2016 का एक्ट बनाया, जो हम एक्ट ये पढ़ रहे हैं। अब दिस एक्ट फर्दर मोर वाइडन द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी बाय इनकॉर्पोरेटिंग 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। तो पहले जो हमारी डिसेबिलिटी की डेफिनेशन थी उसको हमने और वाइड किया इस एक्ट के चलते, इसके अंदर हमने 21 तरीके की और डिसेबिलिटीज़ को ऐड कर लिया। जैसे कि पहले क्या होता था कि सिर्फ हमारे जो एक्ट था उसके अंदर सिर्फ 7 तरीके की जो डिसेबिलिटीज़ थी वही इंक्लूडेड होती थी, अभी हमने 21 तरीके की और इंक्लूड कर ली। तो अब चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो, कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, जो कॉन्वर्जेशन करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या कोई इस तरीके की डिसेबिलिटी हो जिससे कि कोई क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो जाए, एंड ब्लड डिसऑर्डर्स, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड दोज विद स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फर्स्ट टाइम। तो ये सब तो है ही है, इसके अलावा जो एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं इनको भी हमने डिसेबल माना। अब कुछ ऐसे लोग जिनको स्पीकिंग लैंग्वेज की डिसेबिलिटी होती है, नहीं बोल पाते सही से, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ होती हैं या स्पीच डिसेबिलिटीज़ के डिसऑर्डर होते हैं, तो उन सबको भी हमने इस डेफिनेशन के अंदर, डिसेबिलिटी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया। यानी कि हमने अपनी सोसाइटी में से किसको भी अलग नहीं करना, सबको यहाँ पर हमें इंक्लूड करते जाना है, ठीक है। तो जो सेक्शन 2 का ऐसा है, क्योंकि यहीं पे डेफिनेशन दी जाती है सेक्शन 2 के अंदर, इसी को हम डेफिनेशन क्लॉज बोलते हैं। तो इसने इस पर इसकी डेफिनेशन दी जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो डेफिनेशन है ये इम्पॉर्टेंट है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कौन होता है। तो इसने बताया कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हम किसको मानेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म मेंटल, यानी कि माइंड की तरफ से कुछ फिजिकल, सेंसरी, जैसे कुछ टच वगैरह करना या अपने सेंसेस की जो भी अच्छी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट विच इन कोलेबोरेशन विद बैरियर्स इफेक्ट द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। तो यानी कि इस तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसके चलते वो व्यक्ति जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन या इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर पाता सोसाइटी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेबल्ड बोलते हैं, कि ये पर्सन जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी है। तो ये डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या होता है, क्योंकि पूरा एक्ट ही उसके ऊपर है, ठीक है। जो पुराना एक्ट था ना उससे कहीं ज़्यादा ये बेटर डेफिनेशन दी गई, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। फिर जो सेक्शन 27 है इस एक्ट का, ये जो हम पढ़ रहे हैं, प्रोवाइड दैट रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल विद स्पेशल फोकस ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ कंसर्न। तो सेक्शन 27 ने बोला है किसकी ड्यूटी है कि हमें इनको इक्वलिटी उनके बीच में क्रिएट करनी है, तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि उनकी एजुकेशन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, हेल्थ कंसर्न के ऊपर फोकस किया जाए, और साथ ही साथ जो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनको क्या करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंट देनी है उन एनजीओस को जो कि इस काम के अंदर लगी हुई हैं, जो रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन के काम के अंदर लगी हुई है, क्योंकि वो लोग इसके अंदर गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे।
ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि यह क्यों बनाया गया है, कि इंश्योर करने के लिए कि जो डिसेबल पीपल है वो अपने राइट टू इक्वलिटी को एंजॉय कर सके, डिग्निफाइड लाइफ जी सके। फिर जो अगर आप प्रीएम्बल पढ़ते हो एक्ट का, तो उसके अंदर बता रखा है कि ये जो डिसेबल पीपल होते हैं उनको सभी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन से हमें यहाँ से हटाना है, उनके साथ कोई भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हमको उनकी हर जगह पे चाहिए। देन ये एक्ट क्या प्रमोट करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट सेफ गार्ड फॉर डिसेबल पीपल, की उनको एजुकेशन देनी है और उनकी एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो चैप्टर टू के ऊपर अगर हम आए, जो ये चैप्टर है उसके अंदर हमें राइट ऑफ डिसेबल पीपल के बारे में बात की कि उनको क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे इस एक्ट के हिसाब से। चैप्टर वन तो वही है, चैप्टर वन के अंदर हमारा वो कि क्या बोलेंगे हम इस एक्ट को और कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा, बस ये दे रखा है कब से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वही दा करके ये इस एक्ट को हम बोलेंगे रिहेबिलिटेशन एक्ट करके। तो अब राइट ऑफ डिसेबल पीपल के बारे में बात करते हैं कि डिसेबल पीपल कौन होते हैं, वो सॉरी उनके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, कौन होते हैं तो हमने पढ़ लिया, क्या क्या राइट्स दिए गए हैं चैप्टर टू के अंदर। तो सबसे पहले तो दे हैव राइट टू इक्वलिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कि उनको हम क्या करेंगे, इक्वलिटी का राइट देंगे और डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करेंगे। सबसे पहला उनका ये राइट है, सेक्शन थ्री के अंदर ही आ जाता है आपका ये, दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ड्यू टू देयर डिसेबिलिटी, कि उनके साथ हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे क्योंकि उनकी वो डिसेबिलिटी है, कि आपके अंदर ये डिसेबिलिटी है इसलिए हम आपके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी कि वो डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डिसेबल पर्सन को इंश्योर करे, वो वॉयलेट ना हो। तो ये पहला राइट इनको दिया गया है। दूसरा, ये जो डिसेबल पर्सन होंगे उनके पास राइट होगा किस चीज़ का, कि वो कम्युनिटी के अंदर रह सकते हैं, जो भी हमारा समाज है उसके अंदर रह सकते हैं, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगी कि वो इस चीज़ को एनफोर्स कराए, फोर्स के अंदर लेके आए कि वो नॉर्मल सोसाइटी के अंदर ही रहें जो डिसेबल्ड पीपल है। तो ये दूसरा राइट हो गया कि उनको भी क्या राइट है कि वो नॉर्मल सोसाइटी के अंदर रहे, कम्युनिटी के अंदर रहे। तीसरा, द डिसेबल्ड पर्सन एंजॉय इक्वल राइट्स एंड कैन नॉट बी फोर्स इन टू अंडरगोइंग इनफर्टिलिटी मेडिकल प्रोसीजर्स, कि उनके पास भी ये राइट है, सारे मतलब इक्वल राइट्स है, और उनको हम ये फोर्सफुली ये नहीं कर सकते कि उनके इनफर्टिलिटी मेडिकल प्रोसीजर किया जाए। तो ये क्या हो गया, तीसरा राइट, कि उनके साथ इनफर्टिलिटी मेडिकल प्रोसीजर नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से उनको इनफर्टाइल नहीं बनाया जाएगा। चौथा राइट आता है, द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट पोलिंग बूथ्स आर एक्सेसिबल टू डिसेबल पर्सन, कि जितने भी डिसेबल पर्सन है जिस वक्त वोट करने का टाइम आए तो वो जो पोलिंग जो क्या कहते हैं वोटिंग सेंटर्स हैं उन पे क्या हो कि जो डिसेबल पर्सन है वो वहाँ पे जाके वोट कर सके। तो ये इंश्योर करना किसकी ड्यूटी है, सेंट्रल और स्टेट इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, तो ये ड्यूटी ऐड की गई। देन पांचवा राइट क्या आता है डिसेबल पर्सन का, ये सारे चैप्टर टू के अंदर ही दे रखे हैं, जो डिसेबल पर्सन है आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन, कि किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं होगा उनके साथ और किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन नहीं की जाएगी। दे कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी डिग्रेडिंग और क्रूअल ट्रीटमेंट, आप उनके साथ कुछ भी क्रूअल ट्रीटमेंट कर रहे हो, किसी भी तरीके से बिहेव कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। डिसेबल पीपल कैन नॉट बी फोर्स टू बी सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च विदाउट देयर कंसेंट, ये नहीं कि भाई इसके साथ ये हो रखा है चलो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और जबरदस्ती कर रहे हो, वो नहीं अलाउ कर रहा कि मुझे नहीं करवाना अपने ऊपर कुछ, आप फिर भी उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं की जाएगी। इन केस ऑफ एनी नेचुरल डिजास्टर और इमरजेंसी, अब कोई अगर नेचुरल डिजास्टर होता है या इमरजेंसी होती है तो उनके पास भी इक्वल राइट है सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन का, ये नहीं कि भाई तू तो डिसेबल्ड है तेरे को छोड़ के जा रहे हैं, नेचुरल कैलेमिलिटी आई है, कोई ऐसा नहीं करना है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट इफ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स दैट एन एक्ट ऑफ वायलेंस और अब्यूज इज लाइकली टू बी कमिटेड अगेंस्ट अ डिसेबल पर्सन, कि भाई कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि किसी डिसेबल्ड व्यक्ति के अगेंस्ट कोई वायलेंट होगा या कोई अब्यूज हो सकता है उस डिसेबल्ड व्यक्ति के अगेंस्ट, तो जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन देनी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जो भी जिस भी ज्यूरिडिक्शन के अंदर वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है, तो वो अपने एरिया के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन रिक्वर्ड, जो भी एग्जीक्यूटिव है उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पांचवा राइट आ गया किसके पास, डिसेबल पर्सन के पास। उसके बाद छठा आता है जो सेक्शन 38 अगर हम पढ़ेंगे इस एक्ट का, वो बोलता है कि दैट वेयर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बेंचमार्क डिसेबिलिटी
बिलीव दैट ही इज इन नीड ऑफ हाई सपोर्ट, कि अगर कोई व्यक्ति जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है उसको हाई सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है फॉर सच हाई सपोर्ट टू द नोटिफाइड अथॉरिटी, की जो भी नोटिफाइड अथॉरिटी है उसके बाद कि भाई मुझे इस इतनी ज़्यादा जो है सपोर्ट की ज़रूरत है या इस तरीके की ज़रूरत है, तो उसके रिगार्डिंग वो एप्लीकेशन लगा सकता है। और उसके भी यहाँ पे एप्लीकेशन कोई और भी लगा सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन लगा सकती है। सच एन एप्लीकेशन इज टू बी फॉरवर्डेड टू द असेसमेंट बोर्ड विच विल असेस द एप्लीकेशन एंड सबमिट रिपोर्ट टू द कंसर्न अथॉरिटी। तो असेसमेंट बोर्ड को भेज दिया जाएगा कि हाँ भाई इसको ज़रूरत है, और फिर वो अथॉरिटी को भेज देगी वापस, फिर जो डिसेबल पर्सन है उसको ये हाई सपोर्ट जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी इस रिपोर्ट के बेसिस पे। सातवां आता है, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड दैट इफ एन एम्प्लॉय अक्वायर्स अ डिसेबिलिटी वाइल ही इन सर्विस, कि भाई कहीं पे वो जॉब कर रहा है और वहाँ पे करते करते जैसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है इस तरीके की कोई चीज़ कर रहा है वहाँ पे उसको ये डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, तो उसको वहाँ से डिसमिस नहीं किया जाएगा या रिमूव नहीं किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट से कि इस कारण से कि भाई अब तेरे को ये डिसेबिलिटी आ गई है, तेरे को फिजिकली अब तू ये काम नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से उसको वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। उसको किसी और जगह पर ट्रांसफर कर सकते हो किसी सूटेबल पोस्ट पर, कि भाई पहले तो ये फिजिकल काम कर रहा था अब तो ये डेस्क जॉब कर ले, तो इस तरीके की चीज़ की जाएगी और उसका पे स्केल भी कम नहीं किया जाएगा। तो ये इसका सातवां राइट है। तो ये सात राइट्स हमें दिए गए हैं किसको, डिसेबल्ड पर्सन को, कि अगर कोई भी डिसेबल पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उसके पास ये सात राइट तो होंगे ही होंगे इस एक्ट के हिसाब से। फिर चैप्टर थ्री के अंदर बेसिकली बात की गई है एजुकेशनल राइट को सेफ गार्ड करने के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 16 जो एक्ट का वो क्या करता है, गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूटी इम्पोज करता है ऑन गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जिन भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फंड कर रही है, जैसे कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसके मेनली फंड गवर्नमेंट से मिल रहा है, तो ये ड्यूटी है उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन दे डिसेबल्ड चिल्ड्रंस को भी। ऐसा नहीं कि उनको एजुकेशन नहीं देनी है इस तरीके की कोई चीज़, उनको भी एजुकेशन देनी है। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रिवेंट किया गया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसके चलते वो किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन करें उन बच्चों के अगेंस्ट जो कि डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, कि कोई बच्चा नहीं चल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो इस तरीके की कोई भी चीज़ जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं करेंगे। और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, स्पोर्ट्स रिक्रिएशन फैसिलिटीज टू द डिसेबल चिल्ड्रन, तो सभी चीज़ों में उनको पार्टिसिपेट कराना है। प्रोवाइड देम विद रीजनेबल एकोमोडेशन, मेक द कैंपस मोर एक्सेसिबल टू देम, ऐसा नहीं कि आपने बना तो दिया लेकिन वहाँ पे आपने अब रैंप नहीं बनाई, अगर कोई बच्चा नहीं चल सकता तो ऊपर चेयर के थ्रू नहीं जा पा रहा व्हील चेयर के थ्रू, या कोई इस तरीके की डिसेबिलिटी है जहाँ पे इस तरीके की कोई चीज़ चाहिए कि वो आपके जो पूरा इंस्टीट्यूशन है उसको सही से नहीं यूज़ कर पा रहा, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर सभी इस तरीके की चीज़ें हों कि वो आपके पूरे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको ले सके। इंश्योर दैट डेड एंड ब्लाइंड चिल्ड्रन आर इम्पार्टेड एजुकेशन यूजिंग अप्रोप्रिएट मीन्स, डेड नहीं है डेफ मरे हुए लोगों को एजुकेशन थोड़ा ना देंगे। डेफ एंड ब्लाइंड चिल्ड्रन आर इम्पार्टेड एजुकेशन यूजिंग अप्रोप्रिएट मीन्स, कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं या डेफ बच्चे हैं उनको हमें इस तरीके से अप्रोप्रिएट चीज़ों को प्रोवाइड करना है, इस तरीके के टीचर्स प्रोवाइड करने हैं, एजुकेटर्स प्रोवाइड करने हैं जो कि उनको एजुकेशन दे सके। प्रोवाइड देम विद ट्रांसपेरेंट फैसिलिटीज एंड मॉनिटर देयर पार्टिसिपेशन एंड प्रोग्रेस, ठीक है जी, हाँ जी। सेक्शन 17 एम करता है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, इट प्रोवाइड दैट द गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड फॉर ट्रेनिंग स्टाफ एंड प्रोफेशंस ऑन हाउ टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, कि इस तरीके से एक तरीके से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे टीचर्स के लिए, ट्रेनिंग स्टाफ्स के लिए, कि किस तरीके से वो इन बच्चों को एजुकेशन दे, इंक्लूसिव एजुकेशन दे। चिल्ड्रन जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर एंटाइटल टू फ्री बुक्स एंड अदर लर्निंग मटेरियल अंटिल दे अटेन एज ऑफ 18, तो उनको फ्री बुक मटेरियल्स ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जब तक कि वो 18 साल की एज को अटेन नहीं कर लेते। सेक्शन 32 ये भी बोलता है कि जो इस तरीके के बच्चे हैं उनको 5% रिजर्वेशन दी जाएगी सभी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर और उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि गवर्नमेंट के फंड से चल रहे हैं, उनके अंदर 5% जो रिजर्वेशन है वो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स की रखी जाएगी। अब स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए
एक्ट मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल पर्सन, की उनको किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट देनी है, उनको किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट करनी है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। अंडर सेक्शन 20, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिसेबल पीपल इन मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इज स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड, कि आप किसी भी तरीके से जो डिसेबल पीपल है उनके साथ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, इस चीज़ को बिल्कुल तरीके से मना किया गया है। तो गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट्स है, उनको ये मैंडेट किया गया है टू प्रोवाइड देम विद रीजनेबल एकोमोडेशन एंड आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिड्यूसिंग द रैंक्स ऑफ दोज एम्प्लॉय हु रिक्वायर्स डिसेबिलिटी ड्यूरिंग देयर वर्क, कि भाई जिनको भी वर्क के दौरान कोई डिसेबिलिटी हो गई तो उनको रीजनेबल एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा और उनकी सैलरी को या उनकी रैंक को कम नहीं किया जाएगा जब भी वो काम कर रहे होंगे उस डिसेबिलिटी होने के बाद भी। और जो डिसेबल पीपल है, कैन नॉट बी डिनाइड प्रमोशन मेयरली ऑन ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी, ये बोलते हुए कि भाई आप डिसेबल हो इसलिए आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ नहीं की जाएगी, उनको भी प्रमोशन मिलेगा जैसे किसी और को प्रमोशन मिलता है, तो उनके साथ कोई सी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी एम्प्लॉयमेंट के अंदर। सेक्शन 21 जो है वो मैंडेट करता है कि हर एक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी किस चीज़ को, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाई जाए और जो भी चीफ या स्टेट कमिश्नर है उसके पास ये रजिस्टर की जाएगी किस तरीके से आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, या क्या पॉलिसी है आपकी कि आप उसके थ्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे डिसेबल्ड पीपल को भी। सेक्शन 23 बोलता है कि जो हर एक एस्टेब्लिशमेंट है उसको क्या करना है, ग्रीवियांस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना है। क्या करना है, ग्रीवियांस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना है और इन्फॉर्म करना है चीफ कमिश्नर या स्टेट कमिश्नर को अबाउट द सेम, कि भाई हमने ये GRO जो है अपॉइंट कर दिया है। और कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन कैन अप्रोच द ऑफिसर, कोई भी व्यक्ति इस ऑफिसर को अप्रोच कर सकता है एंड कंप्लेंट अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन डन बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिसेबिलिटी, और बता सकता है कि भाई इस व्यक्ति के साथ डिसेबिलिटी के कारण डिस्क्रिमिनेशन हुई है या जिसके साथ हुई है वो भी आके इस ऑफिसर को बता सकता है। फिर जो रिड्रेसल ऑफिसर है उसको क्या करना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है, जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो भी इंक्वायरी हो रही है कि ये कंप्लेंट आई, ये चीज़ हुई, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग एक रजिस्टर मेंटेन करना है। एंड इंक्वायरी इन टू एवरी कंप्लेंट हैज़ टू बी कम्प्लीटेड विद इन 2 weeks ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जिस भी दिन रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री हुई है उसके विद इन 2 weeks उसकी जो इंक्वायरी है वो उसको सॉल्व कर देनी है, ठीक है, क्या किया है उसके अंदर, क्या हुआ है वो नोट कर लेना है इस ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर को, ठीक है। अब लॉ और गार्डियनशिप के अंदर भी हमें इक्वल रिकॉग्निशन देनी है डिसेबल्ड पर्सन्स को, तो जो भी व्यक्ति डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं उनके पास इक्वल रिकॉग्निशन का राइट है लॉ के सामने, जैसे कि एक जनरल पीपल का होता है, तो यानी कि उनके पास ये राइट है कि वो इनहेरेंट ओन प्रॉपर्टी कर सकते हैं एंड मैनेज देयर ओन फाइनेंशियल अफेयर्स, यानी कि कोई प्रॉपर्टी अगर उनको मिलनी है इनहेरिटेंस के अंदर तो वो प्रॉपर्टी उनको मिलेगी, ठीक है, और इसके अलावा जितने भी उनके फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उनको खुद मैनेज करेंगे, जो भी उनके फाइनेंस से रिलेटेड बातें हैं वो खुद मैनेज कर सकते हैं, किसी के और के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ ये जो डिसेबल पीपल है इनके पास ये भी राइट है कि वो अपने लीगल डिसीजंस खुद लें, ये नहीं कि उनके बिहाफ पे कोई और डिसीजन ले रहा है। और एक्ट में और क्या बताया गया, सिचुएशन वेयर डिसेबल पर्सन माइट फेस डिफिकल्टी इन मेकिंग लीगली बाइंडिंग डिसीजंस, अब कोई लीगली बाइंडिंग डिसीजन के ऊपर किया गया उसके चलते हो सकता है कि एक डिसेबल पर्सन उस काम को ना कर पाए जो भाई उसके अगेंस्ट डिसीजन आया है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो सेक्शन 14 है वो क्या बोलता है, लिमिटेड गार्डियन की कंसेप्ट को बोलता है, द लिमिटेड गार्डियन इज टू हेल्प द डिसेबल्ड पर्सन एंड कैन टेक लीगली बाइंडिंग डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, तो जो ये गार्डियन है ये हेल्प करेगा इसकी और जो भी लीगली बाइंडिंग डिसीजंस है उनके बिहाफ पे उनको पूरा करने में कोशिश करेगा, हेल्प करेगा। लिमिटेड गार्डियनशिप इंप्लाइज ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग बिटवीन द डिसेबल पर्सन एंड द गार्डियन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, कि भाई ये व्यक्ति है इसने इसको लिमिटेड गार्डियन बना दिया, तो ये जो व्यक्ति है आपस में मिलकर म्यूचुअल डिसीजन लेंगे किसके इंटरेस्ट में, ए के इंटरेस्ट में। सच अ गार्डियन कैन बी अपॉइंटेड बाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस तरीके के गार्डियन को अपॉइंट कर सकता है या कोई और अथॉरिटी नोटिफाइड बाई स्टेट गवर्नमेंट, कि भाई या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर लेगा या कोई अगर और अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो है गार्डियन अपॉइंट करने में हेल्प करेगी तो वो कर सकती है। और जो भी ये इस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का डिसीजन आता है उसके अगेंस्ट डिसेबल पर्सन अपील भी कर सकता है कि मेरे को ये वाला जो व्यक्ति है गार्डियन नहीं चाहिए। पीपल सफरिंग फ्रॉम बेंचमार्क डिफिकल्टी प्रोवाइडेड स्पेशल प्रोविजन चैप्टर 6, तो ये क्या बोलता है कि एवरी चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैज़ राइट टू फ्री एजुकेशन इन एनी नेबरहुड स्कूल और एनी स्पेशल स्कूल अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 18, तो इन बच्चों को उनको जो भी उनका नेबरहुड स्कूल है कोई स्पेशल स्कूल है उनके अंदर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। अब ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होती है,
इसका मतलब कि ऐसे लोग जिनको 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है उनको हम बोलते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, तो अब ऐसे बच्चों के लिए उसने बोला है कि उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। वो अथॉरिटीज सर्टिफाई करती है कि हाँ इसको 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, उनको हम बोलते हैं कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी किसी भी नेबरहुड स्कूल के अंदर या किसी भी स्पेशल स्कूल के अंदर जब तक कि वो 18 साल की उम्र अटेन कर लेते हैं। एट हायर गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज वेल एज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिसीविंग गवर्नमेंट ग्रांट्स आर मैंडेटेड टू प्रोवाइड मिनिमम ऑफ 5% रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो 5% रिजर्वेशन तो उनको देनी ही देनी है, एक तो नॉर्मल के लिए थी, अभी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले इनको भी 5% रिजर्वेशन देनी है। और अगर कोई और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो भी गवर्नमेंट एडेड है, हायर गवर्नमेंट मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी इनको इस तरीके से एजुकेशन दी जाएगी। और आगे सेक्शन 33 क्या बोलता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज़ टू आइडेंटिफाई द पोस्ट विच कैन बी रिजर्व इन फेवर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बेंचमार्क डिसेबिलिटी। कि भाई गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो आइडेंटिफाई करे कि कौन सी जॉब्स ऐसी हो सकती हैं जो कि ये जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है इनके लिए रिजर्व की जा सकती है। फिर एक एक्सपर्ट कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी इस आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन कौन सी पोस्ट जो है वो सूटेबल हैं विच कुड बी रिजर्व फॉर डिसेबल पीपल सफरिंग फ्रॉम बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड द आइडेंटिफाइड पोस्ट हैव टू बी पीरियोडिकली रिव्यूड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अब जो भी आइडेंटिफाई किया है उनको 3 3 साल के अंदर आपको रिव्यू करना है कि ये चीज़ है या नहीं है, या नई कौन सी पोस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको देखते रहना है। मोर ओवर एवरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हैज़ टू रिजर्व मिनिमम ऑफ 4% ऑफ वैकेंसीज इन फेवर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो 4% रिजर्वेशन इनके लिए करनी करनी है, जो भी आपकी पोस्ट होंगी जितनी भी चीज़ें होंगी उसके अंदर 4% रिजर्वेशन होंगी इन लोगों के लिए। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड दैट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल इंसेंटिवाइज द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉय पर्सन सफरिंग फ्रॉम बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो इससे भी जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्या बोला गया कि गवर्नमेंट को क्या करना है, इंसेंटिवाइज करना है, कुछ तरीके से हेल्प करनी है प्राइवेट इंस्टीट्यूट की भी, ताकि वो भी इस तरीके से जो डिसेबिलिटीज वाले लोग हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी। ठीक है, इसके अलावा जो चैप्टर 5 है वो बात करता है सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर के बारे में। तो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए डिसेबल पर्सन के लिए जिनको सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, हेल्थ केयर की ज़रूरत है। तो सेक्शन 24 क्या बोलता है, ऑब्लिगेशन देता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो नेसेसरी स्कीम बनाए जिसके चलते जो लिविंग स्टैंडर्ड है डिसेबल पर्सन का वो क्या हो, इम्प्रूव हो, और साथ ही साथ उनको इंडिपेंडेंट लिविंग मिले, यानी कि वो खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी होकर अपने जीवन को व्यतीत कर सके। तो गवर्नमेंट जो है इसके रिगार्डिंग स्कीम फॉर्मुलेट कर सकती है अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी को देखते हुए। अब गवर्नमेंट को बाकी खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है और यहाँ पे स्कीम बनाए, तो ऐसा नहीं बोला गया कि उसको देखना है कि अपने हिसाब से एक इकोनॉमाइज करना है कि आपको ये देखना है कि कहाँ पे आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो और आपकी क्या इकोनॉमिक कैपेसिटी है, उस हिसाब से आपको इम्प्रूव करना है लिविंग स्टैंडर्ड डिसेबल्ड पर्सन का। और जब ये पॉलिसीज फ्रेम की जा रही होंगी, स्कीम फ्रेम की जा रही होगी, तो गवर्नमेंट को कंसीडर करना है एज, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी एंड जेंडर ऑफ द डिसेबल्ड पर पीपल की, क्या उनकी किस एज के लोगों को क्या फैसिलिटीज देनी है, किस नेचर की देनी है, क्या चीज़ देनी है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ध्यान रखनी है। सेक्शन 24 ये भी बोलता है लिस्ट ऑफ मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच द गवर्नमेंट मे फ्रेम वेलफेयर स्कीम्स। तो ये कुछ मैटर्स बताए गए हैं इनके रिगार्डिंग जो है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम बना सकती है। द गवर्नमेंट शुड सेटअप कम्युनिटी सेंटर्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट काउंसलिंग, गाइडेंस, सेफ्टी एंड मेडिकल केयर टू डिसेबल पीपल। तो ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनको कम्युनिटी सेंटर्स सेटअप करने हैं जिसके चलते जो डिसेबल पीपल है उनकी काउंसलिंग हो सके, उनको गाइडेंस मिले, उनकी सेफ्टी के ऊपर बात हो, उनको मेडिकल केयर मिले, तो ये चीज़ गवर्नमेंट को इंश्योर करनी है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को क्या करना है, सपोर्ट देनी है डिसेबल पीपल को ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स एंड हेल्प डिसेबल्ड चिल्ड्रन हु हैव बीन अबेंडेंट और हैव नो फैमिली और शेल्टर। तो जब कोई नेचुरल डिजास्टर होता है उन वक्त इनको आपको हेल्प करनी है उस वक्त। इसके अलावा अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो डिसेबल्ड हैं और उनको अबेंडन कर दिया, घर से निकाल दिया, या जिनकी कोई फैमिली नहीं है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उनकी स्पेशल मदद करनी है गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी भी हेल्प की जानी है। और गवर्नमेंट को क्या करना है, पॉलिसीज फ्रेम करनी है फॉर प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू डिसेबल पीपल की, भाई उनको अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने हैं। हु हैव बिन अनेबल टू गेट एनी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स और मोर की, भाई 2 साल हो गया इनको नहीं मिल पा रही जॉब, तो आपको क्या करना है, उनको अलाउंसेस देने हैं ताकि वो
अपनी लाइफ को चला सके नॉर्मली। सेक्शन 25 बोलता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर दैट डिसेबल पीपल गेट एक्सेस टू फ्री हेल्थ केयर, कि भाई उनको मुफ्त जो है ये हेल्थ केयर की सर्विसेज मिल सके रूरल एरियाज़ के अंदर। डिसेबल पीपल मस्ट गिवन प्रायोरिटी इन ट्रीटमेंट एंड शुड बी प्रोवाइड विद बैरियर फ्री एक्सेस टू ऑल प्राइवेट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी कि भाई पहले उनका इलाज किया जाएगा और उनको बैरियर फ्री एक्सेस मिलेगी, जितने भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा कि भाई किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वहाँ पर उनको नई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जा रही है, तो इस तरीके से कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। फिर चैप्टर जो 8 है उसके अंदर क्या बात की गई है, इसके अंदर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताई गई है कि क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज़ टू ऑर्गेनाइज अवेयरनेस एंड सैनिटाइजेशन कैंपेन्स इन ऑर्डर टू इंश्योर द राइट्स ऑफ द डिसेबल पीपल, कि भाई उनको अवेयरनेस प्रोग्राम एक तरीके से बढ़ाने हैं ताकि सबको इस बारे में पता चल सके। अब जैसे आप तो इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको पता है, लेकिन जो नॉर्मल पीपल है उनको भी इसके बारे में पता चल सके कि इस तरीके के राइट जो है एक डिसेबल पर्सन के पास अवेलेबल होते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टू कंसिडर द चीफ कमिश्नर और द स्टेट कमिश्नर इन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजिंग द अवेयरनेस कैंप्स। तो गवर्नमेंट को ये मतलब एक तरीके से चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो चीफ कमिश्नर है या स्टेट कमिश्नर है वो इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम करवाते रहे। सेक्शन 41 जो है इस एक्ट का वो बोलता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनको क्या करना है, अप्रोप्रिएट स्टेप लेने हैं इंश्योर करने के लिए कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जैसे कि रेलवेज हो गया, बसेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, वो एक्सेसिबल किए जाएं डिसेबल पीपल के लिए। इसलिए आप कई बार देखना कि गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है लेकिन कई बार चीज़ें हो पाती है कई बार नहीं हो पाती। जैसे अब आप बस स्टॉप पर देखोगे तो बस स्टॉप पर कोशिश की जाती है कि वो साइड से इस तरीके से वो बनाया जाएगी कि अगर कोई व्हील चेयर पर आके उसके ऊपर खड़ा होना चाहता है तो हो सके। अब बसेज में भी होता है, बसेज में अगर आपने देखा होगा तो चढ़ने के लिए अलग से वो एक तरीके से बनाया जाता है, वो ऐसे खुल के आता है बाहर, उसके ऊपर वो अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर पर है तो वो उसके ऊपर बैठ अपनी व्हील लेके आता है व्हील चेयर, और फिर ये ऐसे ऊपर होता है और वो उसको अंदर ले जाता है बस के। अब यूज होता है मतलब कम होता है ये चीज़ें यूज, बट ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनको इंश्योर करना है कि इस तरीके से जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं जो भी पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो इनके लिए भी एक तरीके से फिजिबल हों, एक्सेसिबल हों कि वो इसको यूज़ कर सकें। एयरपोर्ट्स के ऊपर आप देखोगे इस तरीके से कोशिश की जाती है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वहाँ तक पहुँच सके। रेलवे स्टेशन पर आप देखोगे वहाँ पर रैम्प्स बनाए जाते हैं कि जो एक डिसेबल पर्सन है वो वहाँ पर चला जाए। अब जैसे अगर आप जो इंटर स्टेट बस डिपोज होते हैं उन पे भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी इस तरीके से बनाया जाता है रेलिंग वगैरह सारी चीज़ें कि अगर कोई डिसेबल पर्सन आता है तो वहाँ जो उस जगह तक वो पहुँच सके। जो टिकटिंग प्रोसीजर है, टॉयलेट्स हैं, हमेशा आप देखना टॉयलेट्स बनाई जाती हैं डिसेबल पर्सन के लिए अलग से, पार्किंग बनाई जाती है रिजर्व की जाती है कि ये पार्किंग जो है सिर्फ डिसेबल पर्सन के लिए है। मस्ट बी डिज़ाइन कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ डिसेबल पीपल की भाई वो किस तरीके से अपनी यहाँ पर कार पार्क करेंगे या अपने व्हीकल को पार्क करेंगे जो भी वो व्हीकल चला रहे हैं। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड इंश्योर द रोड आर ऑल्सो एक्सेसिबल टू डिसेबल पीपल की जो रोड हैं वो भी डिसेबल पीपल्स के लिए एक्सेसिबल हो। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो प्रमोट द डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड दैट आर जनरली यूज बाई डिसेबल पीपल। द गवर्नमेंट मस्ट टेक नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर द टेक्नोलॉजी कॉम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर मेड एक्सेसिबल टू डिसेबल पीपल की हर एक तरीके से कोई टेक्नोलॉजी है, कोई कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं, इन्फॉर्मेशन है वो जो डिसेबल पीपल है उन तक एक्सेस रहे, उनको भी वो चीज़ें मिलें। सेक्शन 48 मैंडेट करता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे सोशल ऑडिट। भाई एक तरीके से देखेंगे कर तो रहे हो, क्या वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, सही से हो नहीं रहा है या क्या हो रहा है, उसके रिगार्डिंग सोशल ऑडिट के बारे में बताया है कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स बनाई गई है उनका सोशल ऑडिट किया जाएगा, ये इंश्योर करने के लिए कि जो नीड्स हैं डिसेबल पीपल की वो फुलफिल हो रही हैं एंड डू नॉट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देम, और किसी भी तरीके से उनके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा इस अवेयरनेस प्रोग्राम का। दिस वुड ऑल्सो एनेबल द गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी मॉडिफिकेशंस टू स्कीम टू इंश्योर दैट दे विल फुलफिल द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। अगर वो ऑडिट करते रहेंगे तो उनको प्रॉब्लम्स पता चलती रहेंगी और इससे जो मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है उन पॉलिसीज के अंदर, उन स्कीम के अंदर, वो मॉडिफिकेशंस भी गवर्नमेंट के थ्रू की जा सकती हैं। अब इंस्टीट्यूशंस को रजिस्टर करना है अपने पास, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रजिस्टर करना है गवर्नमेंट के पास कि हम ये इंस्टीट्यूशंस हैं और हम इन चीज़ों को फुलफिल करेंगे। तो ये जो चैप्टर 9 है वो इस बारे में बात करता है कि क्या प्रोसीजर है थ्रू विच जो इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर डिसेबल पीपल में भी रजिस्टर, कि किस तरीके से वो इंस्टीट्यूशंस अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। द कॉम्पोनेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द
स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 50 क्या बोलता है? द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द सर्टिफिकेट टू द इंस्टीट्यूशन दैट आर एस्टेब्लिश फॉर डिसेबल पीपल। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होगी किस चीज़ के लिए? कि वो सर्टिफिकेट डिलीवर करें इंस्टीट्यूशन को जो कि एस्टेब्लिश हुए हैं डिसेबल पीपल के लिए। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कौन कौन सी होगी। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इस तरीके के सर्टिफिकेट इशू करती है इंस्टीट्यूशन को कि हाँ ये जो इंस्टीट्यूशन है ये डिसेबल पर्सन के लिए है, डिसेबल पीपल के लिए है। अब किस तरीके से एप्लीकेशन लगानी है आपको यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। और जब ये एप्लीकेशन आएगी कि भाई हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है? इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है जो भी इसको ठीक लगती है, इंश्योर करने के लिए कि जो एप्लीकेंट है वो सभी एसेंशियल कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है इस एक्ट की, कि भाई हाँ इस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि ये इस तरीके का इंस्टीट्यूशन है। और जब वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है, क्या द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल इशू अ सर्टिफिकेट कि हाँ भाई इसने सब चीज़ें कर रखी हैं, तो फिर वो सर्टिफिकेट इशू कर देती है। और अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर वो रिफ्यूज़ कर सकती है कि हम इसको सर्टिफिकेट जो है इशू नहीं करेंगे, ये डिसेबल पर्सन की इंस्टीट्यूशन नहीं है। सेक्शन 52 ऑथोराइज करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को टू रिवोक अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कि भाई आपने एक बार सर्टिफिकेट दे दिया लेकिन उसको रिवोक करने की पावर भी इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दी गई है। अगर उसको रीजनेबली बिलीव होता है कि जो सर्टिफिकेट होल्डर है उसने किसी तरीके की कंडीशंस को, जो भी कंडीशन दी गई है इस एक्ट में, उसको क्या किया है? ब्रीच किया है, जिसके कारण उसको रजिस्ट्रेशन मिली थी। और इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी की जा सकती है, सेक्शन 53 बोलता है। देन एडवाइजरी बोर्ड की बहुत बात होती है, एडवाइजरी बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के बारे में। तो चैप्टर 11 बोलता है कि सेंट्रल एंड स्टेट लीगल एडवाइजरी बोर्ड बनाए जाएंगे एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज भी बनाई जाएंगी। तो तीनों लेवल पे किसी न किसी अथॉरिटी को बनाया जा रहा है, सेंट्रल और स्टेट लेवल एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ बनाई जा रही हैं। तो ये जो एडवाइजरी बोर्ड्स हैं ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? जो आप बनवा रहे हो एडवाइजरी बोर्ड, ये क्या करेंगे? ये एडवाइज़ करेंगे गवर्नमेंट को इन मैटर्स के ऊपर, ठीक है, प्रोग्राम्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर जो भी डिसेबल इंडिविजुअल्स के लिए बनाई जाएंगी। जो एडवाइजरी बोर्ड्स हैं वो ऑल्सो क्या करेंगी? कोऑर्डिनेट करेंगी और एक्टिविटीज़ को रिव्यू करेंगी किसकी? अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो कि इस डिसेबल पीपल की एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज हैं, कि भाई क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ये देखते रहेंगे। अब एक होती है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, इसकी क्या कॉम्पोजिशन है? सेक्शन 60 के अंदर बता रखी है। ये हमें बोलता है कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है इसके अंदर किस तरीके से लोग होंगे। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल पर्सन, भाई ये जो मिनिस्टर हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल पर्सन के हैं, ये इसके अंदर क्या होंगे? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे इस बोर्ड के, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं, मिनिस्टर इंचार्ज है डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल पर्सन के, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे इस बोर्ड के। वाइस चेयरमैन कौन होंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल पर्सन। तो जो भी मिनिस्टर इन चार्ज है स्टेट लेवल के, स्टेट इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल पर्सन, वो जो है इसके वाइस चेयरमैन होंगे। अदर देन द चेयरपर्सन एंड द वाइस चेयरपर्सन द सेंट्रल बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब इसके अलावा इस बोर्ड के अंदर जो सेंट्रल बोर्ड है इसके अंदर 3 लोग होंगे किसके? पार्लियामेंट के, मतलब कि एमपी जो हैं 3 इसके मेंबर बनाए जाएंगे। 2 ऑफ हुम आर इलेक्टेड बाय द लोअर हाउस, जिसमें से जो आपका लोकसभा है 2 इसमें से लाए जाएंगे, और एक जो है आपका राज्यसभा से लाया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को बनाया जाएगा। कब इसके अंदर आप मेंबर नहीं हो सकते? द मेंबर ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आर अपॉइंटेड फॉर टर्म ऑफ 3 ईयर्स, कि भाई एक बार ही अपॉइंट होते हैं तो 3 साल के लिए आप अपॉइंट होंगे, और आप इनको रिमूव कर सकते हो इस एक्सपायरी पीरियड से पहले भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर रहती है। और मेंबर जो है कैन ऑल्सो सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर मेंबर खुद ही नहीं रहना चाहता तो वो भी अपनी रेजिग्नेशन दे सकता है कि भाई मैं जाना चाहता हूँ 3 साल से पहले ही। और अगर कोई कैजुअल वैकेंसी है तो किस तरीके से फिल होगी? फ्रेश नॉमिनेशन से फिल होगी, एंड द पर्सन सो नॉमिनेटेड विल होल्ड द ऑफिस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म। तो आप कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे, अब जितने टाइम के बाद ये छोड़ के गया था, भाई इसका 2 साल का टर्म बचा था, 1 साल का टर्म बचा था, तो उतने ड्यूरेशन के लिए जो आपने कैजुअल वैकेंसी को फिल किया ये उतने टाइम के लिए इस पोजिशन को होल्ड करेगा। अब अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, या फिर कोई ऑफेंस वगैरह के अंदर उसको पनिशमेंट मिल रखी है, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड है, उसको हम यहाँ पे मेंबर नहीं बना सकते इस बोर्ड का। क्या फंक्शंस रहते हैं इसके?
तो वही ओबी पर हमने पढ़ाई है कि एडवाइस करता है गवर्नमेंट को मैटर्स प्रोग्राम्स पॉलिसी के रिगार्डिंग डिसेबल पीपल के। इस तरीके से स्टेट एडवाइजरी बॉडी है, तो इसके अंदर क्या होता है 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनको इस डिसेबल पीपल एंड रिहेबिलेशन के अंदर एक्सपर्टीज होती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है 5 अदर मेंबर्स को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लेके आती है कि कौन कौन होंगे। अच्छा 5 तो मेंबर्स होते हैं, इसके अलावा 5 और लेके आते हैं जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और 10 और मेंबर लेके आ जाते हैं जो कि एनजीओस को बाकी एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 10 लोग हैं वो हो सकता है जिनको खुद इस तरीके की डिसेबिलिटीज हो, क्योंकि जिसको खुद दर्द होता है वही दूसरे का दर्द समझ सकता है, जिसको नहीं पता कि क्या होता है ऐसा होने से तो वो किसी की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इनको भी मेंबर यहाँ पे रखने की कोशिश की जाती है। अदर देन दिस 3 मेंबर्स में भी अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट द स्टेट चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो 3 लोग इसके लिए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं स्टेट चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है। डिस्क्वालिफिकेशन वही सब है कि यहाँ पे भी 3 साल के लिए अपॉइंट होता है, पहले रेजिग्नेशन दे सकता है, ठीक है। अब अगर वो साउंड माइंड का नहीं है, इंसॉल्वेंट नहीं है, अपने डेट्स नहीं पे कर पा रहा है, तो वो ये सब चीज़ों के अंदर वो डिस्क्वालिफाइड मान लिया जाएगा, ठीक है जी। फंक्शंस वही सब सेम फंक्शंस आ जाते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है, तो ये जो लोकल लेवल के ग्रीवियांसीज होते हैं जो भी डिसेबल पर्सन्स के होते हैं उनको डील करती है, और स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कि क्या रूल्स होंगे इस कमेटी को बनाने के लिए, तो हर एक स्टेट के अंदर ये वेरी करते हैं। फिर इस तरीके से चैप्टर 12 के अंदर बता रखा है कि चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर कौन होंगे, तो जो चीफ कमिश्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है और 2 एडिशनल कमिश्नर्स को जो कि चीफ कमिश्नर की हेल्प करेंगे, वन ऑफ द कमिश्नर्स मस्ट बी डिसेबल पर्सन। अब ये इंश्योर करना जरूरी है कि एक उनमें से कम डिसेबल्ड हो, वही बात आ जाती है कि जिसको खुद पता है कि क्या होता है डिसेबल होना वो ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएगा। भाई आप कि एक व्यक्ति के लिए कानून बना रहे हो और उसी को वहाँ पर इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो तो उससे क्या होगा। सेक्शन 77 बात करता है चीफ कमिश्नर की पावर्स के बारे में, तो जो चीफ कमिश्नर है उसके पास क्या पावर होती है कि वो समन कर सकता है विटनेसेस को और एनफोर्स कर सकता है उनकी अटेंडेंस को, अगर बुलाया है तो भाई नहीं आ रहे तो उसको भी एनफोर्स करवा सकता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करवा सकता है, विटनेसेस को एग्जामिन कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सकता है, जैसे सिविल कोर्ट की जो पावर होती है वही पावर यहाँ दी जा रही है। स्टेट कमिश्नर जो होते हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर अपॉइंट होते हैं क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ओनली दोज पीपल आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज स्टेट कमिश्नर हु हैव स्पेशल नॉलेज इन रिलेशन टू मैटर ऑफ रिहेबिलेशन, सिर्फ उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा जिनको स्पेशल नॉलेज है रिहेबिलेशन के अंदर, उसके अलावा किसी और को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो जो पावर है स्टेट कमिश्नर की वो सेक्शन 82 के अंदर बता रखी है। इसके पास भी वही सेम पावर होती है विटनेस को समन करने की, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाने की, एफिडेविट रिसीव करने की एविडेंस के लिए, कमीशन इशू करने के लिए, वही सिविल कोर्ट जैसे वाली पावर होती है वही सारी होती है। देन स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे बताया गया कि स्पेशल कोर्ट जो है सेटअप किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इन कंकरेंस विद चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट की। भाई जैसे दिल्ली है, दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके साथ एक तरीके से कॉन्क्रेंस के साथ उनके साथ सलाह करके और एक स्पेशल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जाएगा। सेक्शन 84 बोलता है कि जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ताकि स्पीडी डिस्पोजल हो सके इन केसेस का, जो कि इनके राइट्स जो हैं डिसेबल पर्सन के उनके वॉयलेशन के रिगार्डिंग केसेस हैं। फिर नेशनल और स्टेट फंड बनाए जाएंगे, तो आप नेशनल फंड बनाओगे सेक्शन 86 के अंदर, स्टेट फंड बनाओगे सेक्शन 88 के अंदर, और गवर्नमेंट जो है उनको प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करने होंगे और रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे इन फंड्स के, और इनको इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हेल्प के लिए बनाया जाएगा डिसेबल पीपल की। पनिशमेंट क्या है, तो ये अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, पनिशमेंट क्या मिलती है इसके अंदर, तो सेक्शन 89 के अंदर आता है कि अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करेगा, आप इक्वलिटी नहीं मेंटेन होने दे रहे इनके साथ कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, तो उसको फाइन लगेगा 10,000 रुपये तक का पहली बार अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप बार बार दोबारा ऐसा करते हो तो दूसरी बारी में 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। पहली बार हल्के में छोड़ा, रिपीट कर रहे हो तो फिर बहुत हाई पेनल्टी लगाई। सेक्शन 92 बोलता है कि अगर आप एट्रोसिटीज़ करते हो डिसेबल पीपल के साथ, उसके ऊपर किसी तरीके के जुर्म ढाते हो, तो वहाँ पे आपको 5 साल तक की जेल भी हो सकती है प्लस फाइन भी लगेगा, खतरनाक है सेक्शन 92। और अगर आप
ऐसे बेनिफिट्स को गलत तरीके से उठाते हो जो कि डिसेबल पर्सन के लिए बनाए गए हैं, तो वो भी वहाँ पे भी आपको सजा दी जाएगी 2 साल तक की, और फाइन भी लग सकता है 1 लाख रुपए का, दोनों भी लग सकते हैं। तो आप कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स अगर हम देखें तो एक आता है विकास कुमार वर्सेज यूनियन पब्लिक सर्विस का, 2021 का है, ठीक है। तो जो अपीलेंट है जो कि एक डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा था जिसको राइटर्स क्रैम बोलते हैं, उसको आप स्क्राइब प्रोवाइड नहीं करते। जैसे होता है ना कि कोई एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है उसके अंदर अब कोई व्यक्ति नहीं लिख पाता, उसको डिसेबल्ड है तो उस कारण से वो नहीं लिख पा रहा, ठीक है। तो वहाँ पे स्क्राइब प्रोवाइड किया जाता है कि जो आपके साथ बैठता है और आपके बिहाफ पे लिखता है, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर, तो उसको प्रोवाइड नहीं किया गया। जैसे हम जब मैं भी स्कूल में था तो हमने भी एज अ स्क्राइब काम किया कि भाई जैसे हमारे स्कूल में किसी को कोई एग्ज़ाम होता था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते थे, तो जब सेंटर पड़ता था, अब जैसे कोई डिसेबल्ड पर्सन आया, अब कोई ब्लाइंड पर्सन आया, तो हम एज अ स्क्राइब वहाँ पर उसके साथ बैठते थे, जो हमें बोलता था हम उसको क्वेश्चन पढ़ के बताते थे, और फिर वो उसके आंसर बताता था और हम वो चीज़ लिख देते थे या टिक कर देते। तो इस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसा होता है कि उसको नहीं दिया जाता, तो जो अपीलेंट है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है एट राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर, बट वो जो सर्टिफिकेट है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो अपीलेंट देन अपील करता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास, जिसको CAT बोलते हैं, और उसकी अपील जो है वो डिसमिस हो जाती है। फिर अपीलेट जो है अप्रोच करता है दिल्ली हाई कोर्ट को, एंड द बीन टाइम ऑब्टेन द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और इसके चलते उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर अपीलेंट जो है अप्रोच करता है अपेक्स कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, एंड द कोर्ट्स डायरेक्टेड एम्स टू कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड एंड सबमिट द रिपोर्ट टू द अपीलेंट्स कंडीशन की। भाई एम को बोलता है कि आप एक बोर्ड बनाओ और इसकी जो कंडीशन है वो हमको सबमिट करो। तो रिपोर्ट जो है वो स्टेट करती है कि जो अपीलेंट है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, लेकिन उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है, 40% से ज़्यादा वाली डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो डिसेबिलिटी है। तो जो प्राइमरी कंटेंशन थी अपीलेंट की क्या थी, कि उसको स्क्राइब मिलना चाहिए क्योंकि उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बोलता है, द कोर्ट प्राइमरीली नोटेड दैट एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस ओनली पीपल सफरिंग फ्रॉम बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर एंटाइटल्ड टू हैव अ स्क्राइब, की भाई जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है सिर्फ उन्हीं को स्क्राइब मिलेगा, उसके अलावा सबको नहीं मिलेगा। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, जो कि नोडल एजेंसी है इन प्रोविजंस को, इस एक्ट को एनफोर्स कराने के लिए, रिकोगनाइज दैट देयर माइट बी अदर मेडिकल कंडीशन विच कुड हिंडर द राइटिंग एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, एंड हैंस लेफ्ट इट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एग्जामिनेशन एजेंसी टू डिसाइड ऑन ग्रांट ऑफ स्क्राइब और सच अदर फैसिलिटी। तो ये छोड़ दिया कि भाई हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर 40 मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी ना हो, 40% से ऊपर की डिसेबिलिटी ना हो, इवन देन इन दैट सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है ना लिख पाता हो, ना अपने पेपर को कर पाए, तो इसलिए ये जो एग्जामिनेशन एजेंसी है उसकी डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया कि आप वहाँ पे किस व्यक्ति को अलाउड कर दो, आपको लगता है कि हाँ ये जो व्यक्ति है नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे आप स्क्राइब उसको प्रोवाइड कर सकते हो। इसलिए जो एग्जिस्टेंस है बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, वो एक प्री कंडीशन नहीं है कि एक स्क्राइब को प्रोवाइड किया जाए या एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड किया जाए या सिमिलर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो जो गोल्डन ट्रायंगल है जो कि हमारा आर्टिकल 14, 19, 21 है, वो प्रोटेक्शन देता है डिसेबल पीपल को, भाई हमें इक्वलिटी देनी है उन्हें। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेस फुल एंड कम्प्लीट सिटीजनशिप टू द डिसेबल पर्सन एंड द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट मेयरली ऑपरेशनलाइज दिस प्रोमिस। तो है तो मेनली राइट तो हमें इक्वलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिल रहा है, ये तो एक एक्ट हमने एक्स्ट्रा बना दिया जो कि उसको ऑपरेशनलाइज कर रहा है कि भाई डिसेबल्ड व्यक्ति को भी हमें राइट देना है, इस तरीके से देना है। इट इज़ एसेंशियल बट नॉट सफिशियंट टू मेयरली इंश्योर दैट डिसेबल पीपल आर नॉट सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन, एडिशनल सपोर्ट एंड फैसिलिटी मस्ट ऑल्सो भी प्रोवाइडेड टू डिसेबल पर्सन। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें, इसके अलावा हमें उनको सपोर्ट भी देने की ज़रूरत है। अब भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है, आपने कहा मैं तेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, कह रहा मैं नहीं कर पा रहा इस चीज़ को, तो फिर सपोर्ट भी तो करो, तभी तो हमें अपने जैसा समझेगा, तो वो सपोर्ट देने की भी ज़रूरत भी है। द कोर्ट ने रेफर द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन, कौन सा प्रिंसिपल रेफर करता है, रीजनेबल एकोमोडेशन के प्रिंसिपल को रेफर करता है, और स्टेट करता है कि स्टेट हैज़ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एडिशनल फैसिलिटीज टू डिसेबल पीपल टू इंश्योर दैट दे इंजॉय फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, की उनको स्टेट को क्या करना है, एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है डिसेबल पर्सन को कि वो फुल पार्टिसिपेशन कर सके सोसाइटी के अंदर। कोर्ट नोट करता है कौन से जजमेंट को, वी सुंदरा मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जहाँ पे अपेक्स कोर्ट अपहेल्ड करता है मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को, ये स्टेट करते हुए कि जो पर्सन सफ़र कर रहा है 50% ज़्यादा विजुअल या हियरिंग इम्पेयरमेंट से, वो एलिजिबल नहीं होगा जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो कोर्ट ऑब्जर्व करता है जो सुरेंद्र मोहन जजमेंट वॉज बेस्ड ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कि भाई ये जो पुराने वाला हमारा एक्ट है ना, इसके ऊपर ये जजमेंट दिया गया था, एंड डिड नॉट कंसीडर प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन, और ये कोई रीजनेबल एकोमोडेशन के प्रिंसिपल पे नहीं आया था जजमेंट कि भाई ऐसे व्यक्ति को हम जज नहीं बना सकते। तो ये सारी चीज़ें
दैट द सुरेंद्र मोहन जजमेंट कुड नॉट बी बाइंडिंग प्रेसिडेंट, इसलिए जो जजमेंट है ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है, ये पुराने वाले एक्ट के बेसिस पे आया था और ये एक रीजनेबल एकोमोडेशन नहीं रखता, तो इसलिए ये जो जजमेंट है वो गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। द कोर्ट दस कंक्लूडेड सिंस द अपीलेंट सफर्ड फ्रॉम अ डिसेबिलिटी विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू राइट, डिनाइंग हिम स्क्राइब वुड डिफीट द पर्पस ऑफ द एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि हाँ, इस व्यक्ति को आपको स्क्राइब प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि इसके बिना वो नहीं लिख पाएगा, चाहे उसकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है तब भी। इसी तरीके से केस आता है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लीसम्मा जोसेफ का। तो इशू अरोज बिफोर द अपेक्स कोर्ट दैट वेदर डिसेबल पर्सन वर एंटाइटल टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन, कि भाई क्या जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए प्रमोशन के अंदर। तो कोर्ट इंटरप्रेट करता है 1995 के प्रोविजंस को और जो 2016 के एक्ट के प्रोविजन है उनको, इस इशू को डिसाइड करने के लिए कोर्ट ये हेल्ड करता है कि जो डिसेबल पीपल है उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए प्रमोशन के अंदर, चाहे वो 1995 का ही एक्ट क्यों ना हो। कोर्ट फर्दर क्या नोट करता है, ये इजियर है इनेक्ट करना लेजिस्लेशन चेंजिंग द सोशल माइंडसेट ऑफ पीपल टू गिव इफेक्ट टू द गुड इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन इन ट्रू सेंस इज अ डिफिकल्ट टास्क। द इंटेंशन ऑफ 1995 एंड 2016 एक्ट इज टू इंश्योर द डिसेबल पीपल आर प्रोवाइडेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो चाहे ये वाला एक्ट हो चाहे ये वाला एक्ट हो, दोनों क्या चीज़ें इंश्योर करते हैं कि जो डिसेबल पीपल है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, और ये जो अपॉर्चुनिटी है वो कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, ओनली ग्रांटिंग दैम रिजर्वेशन इन प्रमोशन एज वेल। तो ये इस तरीके से भी आप उनको एक तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकते हो ताकि उनको प्रमोशन देते हुए। तो जो सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 है वो मैंडेट करता है गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो रीजनेबल एकोमोडेशन दे और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे डिसेबल पीपल को, तो इसलिए जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन है वो ठीक है। तो ये कंक्लूड करता है कोर्ट कि जो डिसेबल पीपल आर एंटाइटल टू रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, ठीक है। फिर एक केस आता है डिसेबल राइट ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, 2017 का केस है। अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज फाइल्ड इन एपेक्स कोर्ट, एक PIL फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर टू लुक इनटू नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन प्रोविजंस, की भाई जो रिजर्वेशन प्रोविजंस है उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा डिसेबल पीपल के लिए, कि भाई जो ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है, जिनको भी ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी हो रही है उनको फुल एक्सेस नहीं की दी जा रही, कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर सही से, पूरे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सही से जा पाए, एंड टू इंश्योर दैट इफेक्टिव स्टेप्स आर टेकन टू प्रोवाइड एडुकेट पेडोगोजी फैसिलिटी टू द डिसेबल स्टूडेंट। तो कोर्ट क्या कमेंट करता है, जो हमारे फंडामेंटल प्रमाइस है 2016 के एक्ट के, एंड सेट दैट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट देर आर बैरियर्स एंड हिंड्रेंसेज टू क्रिएटेड बाई द सोसाइटी विच इम्पीड द डिसेबल पर्सन प्रोग्रेस, कि भाई आपने कुछ इस तरीके के बैरियर्स बना रखे हैं जिसके चलते जो डिसेबल पर्सन होते हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते। तो जो एक्ट का एम है, जो हमने 2016 का एक्ट बना रखा है, इसका मेन एम ही क्या है कि जो डिसेबल पीपल हैं उनको हमें सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज देनी है कि वो एक तरीके से अपने आपको जो भी अपने पोटेंशियल है उसको फुली तरीके से रियलाइज़ कर सके। तो इसको अचीव करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये एसेंशियल है कि हम उनको क्या दें, फ्रूटफुल एजुकेशनल दे, कि भाई उनको समझ आए क्या चीज़ें जैसे नॉर्मल व्यक्ति को दी जाती है ऐसे इन्हें भी दी जाए टू डिसेबल पर्सन बाय मेकिंग द बिल्डिंग्स लाइब्रेरीज लैब्स एंड अदर फैसिलिटीज एक्सेसिबल टू देम। अब मान लो आपने एक बिल्डिंग में स्कूल बना रखा है, उसके अंदर लाइब्रेरी आपने बना रखी है सेकेंड फ्लोर पे। अब एक डिसेबल व्यक्ति है जो कि व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, अब वो कैसे उस सेकेंड फ्लोर तक पहुंचेगा? तो आपने क्या किया, उसको आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी, सफिशेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि वो अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सके, रियलाइज कर सके। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं आपकी इंस्टीट्यूशन की, लाइब्रेरी है, लैब है, उन सभी फैसिलिटीज़ को वो एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे आपको एक रैम्प बनाने की ज़रूरत है कि वो सेकंड फ्लोर तक पहुँच सके। तो इसलिए आपको जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इस तरीके के बनाने हैं कि वो यूज़ किए जा सके उन लोगों के द्वारा भी। जो कोर्ट नोट करता है इसी केस के अंदर कि जो 1995 का एक्ट है वो प्रोवाइड करता है कि आपको मिनिमम 3% रिजर्वेशन देनी है डिसेबल पर्सन को गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, और जो 2016 का एक्ट है उसने इसके स्कोप को और वाइडन कर दिया, जो कि अभी हमने ऊपर सेक्शन 31 पढ़ा भी था, जिसके अंदर ये बोला था कि आपको फ्री एजुकेशन देनी है डिसेबल चिल्ड्रन को जो कि 6 से 18 साल के एज के हैं, और इसके साथ साथ आपको जो डिसेबल पीपल नॉट ओनली हैव द राइट टू हैव मिनिमम एजुकेशन बट ऑल्सो द राइट टू हायर एजुकेशन, कि एक तो मिनिमम एजुकेशन मिलनी है, हायर एजुकेशन का राइट भी इनके पास होता है जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति के पास होता है। तो इसलिए तो कोर्ट ऑर्डर करता है कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनको कंप्लाई करना है रिजर्वेशन प्रोविजन ऑफ द एक्ट जो कि हमें दे रखे हैं कि कैसे रिजर्वेशन करना है, क्या चीज़ करनी है। तो सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इसको फुलफिल करना है। UGC और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो
लॉ स्कूल्स का केस होता है, उनको भी ये डायरेक्शन दी गई कि टू कंडक्ट इंस्पेक्शंस टू इंश्योर दैट द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कंप्लाई विद द रिजर्वेशन प्रोविजन, कि ये इंश्योर करें कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो रिजर्वेशन पॉलिसी को इंश्योर करें। ये आपका दूसरा केस हो गया। फिर तीसरा केस हो गया, फिर यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर वर्सेज नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस आता है। इसके अंदर क्या होता है, इन द लैंडमार्क केस ऑफ, ये लैंडमार्क केस है, द जो सुप्रीम कोर्ट है मेड सेवरल इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देता है सुप्रीम कोर्ट विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन फॉर डिसेबल पर्सन, ये किस तरीके से डिसेबल पर्सन को रिजर्वेशन देनी है इसके रिगार्डिंग। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये मतलब 2013 की है। तो इसके अंदर मेनली तीन ऑब्जर्वेशन दी गई कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो एसेंशियल है डिसेबल पर्सन की सोसाइटी में पार्टिसिपेशन के लिए, कि भाई आप उसको एम्पावर करना चाहते हो तो उसको आप एम्प्लॉयमेंट दो। तो प्राइमरी रीज़न जो है फॉर जॉबलेसनेस इज ऑफ डिसेबल पर्सन इज नॉट फंक्शनल डिसेबिलिटी, कि भाई वो काम नहीं कर सकते ये नहीं है, बट द आर्टिफिशियल सोशल बैरियर, कि हमने एक आर्टिफिशियल सोशल बैरियर बना दिया, कि हमने खुद ही माइंड में सोच लिया कि डिसेबल्ड है इसलिए काम नहीं कर पाएगा, तो ये एक गलत चीज़ है। दूसरा जो 50% सीलिंग है जो हम रिजर्वेशन की लगा रखी है इंदिरा साहनी वाली केस के चलते, वो अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए है, वो रिजर्वेशन फॉर डिसेबल पर्सन नहीं है, कि 50% नहीं क्रॉस होना चाहिए, जो जो हमने पढ़ा है इंदिरा साहनी केस के अंदर, तो इनके ऊपर वो लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी। और साथ ही साथ ये चीज़ बोली कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी तरफ से ये ऑब्लिगेशन है उनकी कि वेलफेयर मेजर्स जो है डिसेबल पर्सन के लिए वो लें। देन एक अवनी प्रकाश वर्सेज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2021 का केस आता है। तो इसके अंदर क्या था, जो प्राइमरी कंटेंशन थी पटिशनर की वो क्या थी, कि वो शी वॉज इंटाइटल टू रीजनेबल एकोमोडेशन एज शी हैज़ बीन डायग्नोज विद 40% परमानेंट डिसेबिलिटी। हमने पढ़ा था ऊपर कि भाई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसको रीजनेबल एकोमोडेशन दी जाएगी। तो ये पटिशनर बोलती है कि भाई मैं 40% परमानेंट डिसेबल्ड हूँ तो मुझे रीजनेबल एकोमोडेशन मिलनी चाहिए, और सफर फ्रॉम डाइसफेरिया एंड दस वेल विद इन द क्रिएशन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और इसलिए बोलती है कि मैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आती हूँ। लेकिन जो शी अपियर्ड फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो नीट के एग्जाम में अपियर होती है, शी वॉज डिनाइड द रिलैक्सेशन दैट शी वॉज इंटाइटल इन टर्म्स ऑफ द गाइडलाइंस ऑन रिटन एग्जामिनेशन विच इज इशूड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। लेकिन वो एग्जाम में अपियर होती है तो उसको मना कर दिया जाता है कि भाई आपको जो रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए जो कि गाइडलाइंस दी गई हैं मिनिस्ट्री के द्वारा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, उनके चलते है उनको जो रिलैक्सेशन थी वो नहीं दी जाती इस पिटिशनर को। तो कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो बाउंड है फॉलो करने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है रिटन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री के थ्रू, तो जो अपीलेंट है वो उसको प्रोवाइड नहीं किया जाता जो भी स्टैचुटरी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी लॉ के थ्रू फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए, बिकॉज द डेजिग्नेटेड एग्जामिनेशन सेंटर वॉज अनअवेयर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, क्योंकि जो जिस जगह पर उसका सेंटर पड़ा था उनको पता ही नहीं था कि इस तरीके के प्रोविजन होते हैं। इट वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन टी ए टू इंश्योर दैट ऑल डेजिग्नेटेड सेंटर वर अवेयर ऑफ द प्रोविजन मेड फॉर डिसेबल पीपल। भाई एन टी एग्जाम करा रहा है उसको उसको इंश्योर करना चाहिए कि भाई जिस जिस जगह सेंटर डाला है उस जगह सेंटर पर लोगों को पता तो हो कि क्या गाइडलाइंस है। द कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट द राइट टू इक्वलिटी एंड रीजनेबल अकोमोडेशन कैन नॉट बी डिनाइड टू डिसेबल पीपल बाई ट्रीटिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड एसेंशियल परक्विजिट्स, कि भाई आप कह रहे हो कि अगर आपके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तभी हम आपको रीजनेबल अकोमोडेशन देंगे, इक्वलिटी देंगे, तो ये कोई मतलब नहीं बनता। अगर कोई डिसेबल है तो आपको तब भी कितना भी डिसेबल आपको उसको ये फैसिलिटीज देनी देनी है। वेयर द राइट्स हैव बीन कन्फर्ड ऑन डिसेबल पीपल बाय द स्टैट्यूज दे कैन नॉट बी डायल्यूटेड। द कोर्ट दस कंक्लूडेड दैट रीजनेबल अकोमोडेशन प्रोविजन प्रोवाइड इन द एक्ट आर मैंडेटरी फॉर द फॉर्म ऑफ पिलर ऑफ इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू डिसेबल पीपल मस्ट बी पब्लिश इन द एन नीड बुलेटिन। तो ये जो प्रोविजन है ना कि डिसेबल पीपल को ये फैसिलिटीज मिलेंगी, ये डायरेक्शन दी जाती है कि जो नीड की बुलेटिन आएंगी उसी के अंदर आपको साथ में पब्लिश करनी है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक्ट है जो हमने कवर कर लिया है। तो जो हमारा ये एक्ट है ये एक तरीके का प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है और एक हमारी सोसाइटी को के अंदर चेंज लेके आने के लिए काम करता है। जो भी इल ट्रीटमेंट हो रही है डिसेबल पीपल्स के साथ उनको हटाने की काम करता है, तो ये एक तरीके से प्रोग्रेसिव आप इसको बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये एक्ट समझ आया हो कि क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं। हमने हर एक सेक्शन तो नहीं पढ़ा, बट ये आपके जो मतलब कि प्रोविजंस है ये आपको पूरे एक्ट को समझा देगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके चलते आप इस एक्ट को अगर आप एक बार या बेर एक्ट से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।